चंदन को विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे चंदना, बंगला और गुजराती में सुखड, तेलुगु में चंदनामु गंधामु, कन्नड़ में गंधा और गंदादा व मराठी में मल्यज के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे चंदन या संदल कहते हैं। चंदन का वृक्ष ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधी और अर्ध उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नासिक से दक्षिण की तरफ पश्चिमी घाट में बहुतायत से पाए जाने वाला यह स्थानीय वृक्ष है। यह वृक्ष भारतीय मूल का है। चंदन का वृक्ष मध्यम आकार का या झाड़ी समान होता है। ये आंशिक जड़ परजीवी है। इसका तना कुछ दूर तक सीधा रहकर बहुशाखित हो जाता है। चंदन की पत्तियां सरल, पूर्ण, अखंड तथा टहनी पर प्रतिमुख रूप से विन्यासित होती हैं। कभी कभी ये प्रतिमुख ना होकर एकांतर भी हो जाती हैं। आकृति में अंडाकार या नुकीली ये पत्तियां अनुपर्णी होती हैं और इनका पटल 3.5 से 6.0 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसकी छाल ग्रे यानी गहरे धूसर रंग की होती है जिसमें छोटी छोटी लंबवत दरारें पाई जाती हैं। इसकी कठोर लकड़ी तेलयुक्त होती है और उसमें रेशे दिखाई देते हैं। ये पीली, भूरी और तीक्ष्ण गंध वाली होती है। इसकी मृदु लकड़ी सफेद तथा गंधहीन होती है। इसमें सुगंध विकसित होने में 15 से 20 वर्ष लगते हैं। संदल का पुष्पक्रम भूरा या हल्का बैंगनी होता है। ये एक्सिलरी साइन श्रेणी का होता है। इस प्रकार को सीमाक्षी भी कहते हैं। इसके पुष्पक्रम में विविधताएं भी देखने में आती हैं और वे असीमाक्षी या स्पाइक भी हो सकते हैं। इसके पुष्प को तकनीकी भाषा में हेप्लोक्लेमाइडस तथा एपिजाइनस कहा जाता है। ये फूल उभयलिंगी होते हैं। फूलों के रंगीन भाग को परिपुष्प कहा जाता है। ये दलपत्री या दलपुंजी हो सकते हैं। इसके पुमंग में 4 अथवा 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। इनकी संख्या परिपुष्प के सदस्यों की संख्या के बराबर होती है। पुंकेसर परिपुष्प के सदस्य के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं और एक समान होते हैं। पुंकेसर के तंतु छोटे और 2 पाली युक्त होते हैं। इनके परागकण का स्फुटन खड़े छिद्रों द्वारा होता है। गाइनेशियम यानी जायांग। इसका अंडाशय अधोवर्ती होता है और इसके रेशेदार कार्पल एक कोष्ठी होकर संयुक्त होते हैं। इसके ओव्यूल्स का विन्यास ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस होता है। इन ओव्यूल्स में से केवल एक ही उर्वर होता है। ये निलंबी और जरायु के अग्रस्त सिरे पर स्थित होता है। इसके फल अस्फुटन वाले तथा नट या ड्रूप श्रेणी के होते हैं। चंदन के बीज में बाहरी कड़ा आवरण नहीं होता और इसका भ्रूणपोष गूदेदार होता है। बाहरी कड़े आवरण का ना होना इसके परजीवी अनुकूलन के कारण है।
इसका पुष्प सूत्र इस प्रकार है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ या परिपुष्प 4 तथा 5 स्वतंत्र, पुंकेसर 4 या 5 स्वतंत्र, स्त्री केसर 3 संयुक्त तथा अंडाशय इन्फीरियर। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है, फाइलम एंजियोस्पर्म, सब फाइलम डाइकोटिलेडन, डिवीजन मोनोक्लेमाइडी, सीरीज एक्लेमाइडोस्पोरी, ऑर्डर सेंटलेलिस, फैमिली सेंटलेसी, जीनस सेंटलम, स्पीशीज एल्बम। रासायनिक अवयव। इसके तेल में प्रमुख रूप से अल्फा और बीटा सेंटिनॉल पाया जाता है। चंदन का वृक्ष मनुष्य के लिए विभिन्न रूपों में आर्थिक लाभ का स्रोत होता है। इसके तने से तेल और इत्र प्राप्त होता है। लकड़ी का चूरा सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में प्रयोग होता है। इसका तेल मूलभूत है जो कि लकड़ी से निकाला जाता है। ये उद्दीपक, ठंडक पहुंचाने वाला, रोगाणु रोधक तथा मूत्र रोधी होता है। ये तेल नहाने के साबुन में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में ये स्थिरीकारक के रूप में उपयोग होता है और कई मिश्रणों का घटक होता है। लकड़ी से अनेक सुगंधित वस्तुएं बनती हैं। लकड़ी से ही खिलौने तथा अन्य सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। चंदन के तेल का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है, प्रमुख रूप से सिस्टिसिस या मूत्राशय में सूजन, गोनोरिया खांसी और पित्ताशय के क्षय के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों का तेल भी त्वचा के रोगों में लाभदायक होता है और हृदय के टॉनिक में भी काम में आता है। इसकी भीनी भीनी मीठी सुगंध वाली लकड़ी से मंजूषा और बक्से भी बनाए जाते हैं।